बेटा इतनी बार फ्रीजर खोलोगे तो बिजली का बिल बहुत आएगा, फिर ये ना कहना कि फ्रिज ही खराब हो गया है। दीदी मुझे ये तो समझ आ गया कि हवा ठंडी होने पर पानी छोड़ती है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि पानी स्मोक की तरह क्यों दिखता है। मिकू, अगर पानी की ड्रॉप्स छोटी छोटी हो तो वो हमें स्मोक की तरह दिखाई देती है। अब वॉटरफॉल्स के पास जाके देखो, वहाँ पे भी तो पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स हमें स्मोक की तरह दिखाई देती है, तभी तो वो इतना हेजी होता है। इसी तरह वाटर वेपर भी पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, तभी वो हमें छोटे छोटे ड्रॉप्स स्मोक की तरह दिखाई देते हैं। वाओ, अब समझा दीदी। चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। क्या दीदी? रुको दो मिनट। ओके दीदी। ये देखो, ये बॉटल ठंडी है ना? हाँ। तो अब मुझे बताओ कि इसके सरफेस पर पानी दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है। अब ये देखो, इस बॉटल का पानी एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। अब मुझे बताओ कि इसके सरफेस पर पानी इकट्ठा हुआ या नहीं? नहीं, नहीं हुआ। तो बताओ ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए दीदी क्योंकि बॉटल के ठंडे पानी के कारण उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई और उसने बॉटल में पानी छोड़ दिया। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ गया। हाँ दीदी। वाह, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सामान ठंडा करने के अलावा मैं बच्चों को पढ़ाने के काम भी आ सकता हूँ। तो दोस्तों आज आप ना ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक दिया लीजिए और उसके थोड़े ऊपर हाथ रख के देखिए और फिर नीचे हाथ रख के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि दिए के ऊपर हाथ रखने से गर्म लगता है पर नीचे नहीं। जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमारे आगे आने वाली कॉन्सेप्ट फिल्म्स जरूर देखिए।